महाराष्ट्र में रातों रात बदला सियासी खेल। बीजेपी ने एनसीपी के साथ से बनाई सूबे में सरकार। देवेंद्र फडणवीस ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। अजीत पवार बने डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा दावा। सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे फडणवीस, विपक्षी दल मिलकर बनाएंगे सरकार। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार का बयान। शरद पवार को पहले ही दी गई थी जानकारी, मैंने छिपकर कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी ने लोकतंत्र का अपमान किया है। जेएनयू फीस वृद्धि के खिलाफ संसद की ओर बढ़ा सिटीजन मार्च। एम्स से लेकर कई संगठन शामिल। सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग। जम्मू कश्मीर को बांटने के बाद दमनदीव और दादर नागर हवेली का होगा विलय। विधेयक अगले हफ्ते संसद में किया जाएगा पेश। सीबीआई ने मणिपुर के पूर्व सीएम इबोबी सिंह के घर से जब्त किए 26 लाख रुपए के प्रतिबंधित नोट। विकास कार्यों में कथित तौर पर 332 करोड़ रुपए की अनियमितता के मामले में सीबीआई कर रही है जांच। बिहार की लेफ्टिनेंट शिवांगी बनेंगी नौसेना की पहली महिला पायलट। 2 दिसंबर को कोची में ऑपरेशनल ड्यूटी में शामिल होंगी शिवांगी। बीएचयू में मचे घमासान पर आरएसएस ने किया डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति का समर्थन। धर्म और संप्रदाय के आधार पर शिक्षक का विरोध करना माना गलत। उत्तराखंड के बद्री केदारनाथ और यमुनोत्री में हो रही बर्फबारी। शीतलहर की चपेट में निचले इलाके। दिल्ली एनसीआर में बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर में अपनी हरकतों से बाज नहीं आया पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना ने सुंदरबनी सेक्टर में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। भारत पहुंचे नेपाल के उप प्रधानमंत्री का बयान। दोनों देश मिलकर सुलझाएंगे कालापानी विवाद। महाभियोग की सुनवाई का सामना कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बराक ओबामा पर लगाया बड़ा आरोप। कहा ओबामा ने 2016 में राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उनके अभियान की कराई थी जासूसी। चीन की ओबीओआर परियोजना पर भारत के पक्ष में खड़ा नजर आया अमेरिका। ओबीओआर के औचित्य पर भी उठाए सवाल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदले नियम। अब एसबीआई ग्राहक एक महीने में 12 बार मुफ्त निकाल पाएंगे एटीएम से पैसा। विज्ञापन में घियातोरी को खुद से कमतर दिखाने पर मैकडोनल्ड को नोटिस। एफएसएसएआई ने अपने नोटिस में कंपनी से मांगा जवाब। भारत और बांग्लादेश के बीच कोलकाता टेस्ट का दूसरा दिन आज। बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान विराट कोहली ने किया अच्छा प्रदर्शन। बॉक्सिंग रिंग में विजेंद्र सिंह ने फिर दिखाया दम। विजेंद्र ने दर्ज की लगातार 12वीं जीत। दो बार के कॉमनवेल्थ चैंपियन चार्ल्स एडमू को दी मात। आयुष्मान खुराना की बाला पहुंची 100 करोड़ के पार। फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में कमाए थे 72 करोड़ 24 लाख रुपए। पिछले 3 हफ्तों में अच्छा रहा बिजनेस। टाइगर श्रॉफ ने शेयर की पिता जैकी के साथ तस्वीर। लिखा इमोशनल मैसेज, मेरे पापा सबसे स्ट्रांग हैं।